देखिए मैंने अपने टमाटर को अच्छी तरह से भून ली हूँ मीडियम फ्लेम पे। और अब आइए चलते हैं आगे चटनी कैसे बनाते हो देखते हैं। हम अपने टमाटर देखिए चटनी में मैंने दो हरी मिर्च काट लिया छोटा छोटा, मैंने हरा लहसुन लिया है उसको काट लिया है, एक कांदा मीडियम साइज का ली हूँ, प्याज मीडियम साइज का मैंने सबको बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप सूखा वाला लहसुन भी डाल सकते हो। हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। देखिए ऐसा हो गया, अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, लहसुन और अपना कटा हुआ कांदा, इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। इसमें थोड़ा सा राई का तेल डालेंगे एक चम्मच जितना, और अभी सबको मिक्स मिला देंगे। मैंने राई का तेल डाला है, सरसों का तेल से स्वाद टेस्ट इसका अलग आएगा। देखिए आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑयल भी जो भी आप खाते हो वो ऑयल आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें काटी हुई हरी धनिया डालेंगे, इसको भी हम मिला देते हैं अच्छी तरह से। हमारी चटनी बनके तैयार है। आप इसको पराठा के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पानी पूरी बनाते हैं उसके साथ भी, आपको जैसे अच्छा लगता है आप खा सकते हो। 5 मिनट में अपने हमारी चटनी तैयार है। आइए इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर और कांदे की चटनी कितना फटाफट तैयार है और कितना खाने में भी टेस्टी है। प्लीज़ एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो अपने घर में कुछ सब्जी ना हो, सब्जी ख़त्म हो गई हो, तो हम 5 मिनट में बना के फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से तैयार है। अगर मेरा कांदे और प्याज और टमाटर की चटनी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले डिश में, तब तक के लिए बाय।